बचपन में मुझे पत्ता गोभी बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर मेरी माँ मुझे इसे किसी ना किसी तरह से खिलाती थी। कभी सैंडविच में छुपा के, कभी फ्राइड राइस के साथ, कभी डोसा बना के। आज मैं उन यादों को ताज़ा करते हुए कैबेज डोसा बना रही हूँ, जिसके दो फायदे हैं। एक तो जो बच्चे कैबेज खाते नहीं हैं उनको बिना मालूम पड़े खिला सकते हैं, और तो और आपको इस डिश के लिए कोई साइड डिश की जरूरत ही नहीं है, इतनी स्वादिष्ट बनती है। नमस्कार दोस्तों, हबास किचन हिंदी में आप सबका स्वागत है। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक कटोरी में एक कप चावल लेंगे, इसके साथ डालेंगे दो बड़े चम्मच उड़द दाल, आधा चम्मच मेथी, और इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से धो के साफ कर लेंगे। थोड़ा सा मेथी डालने से एक अच्छा सा स्वाद और खुशबू आता है। उड़द दाल ऑप्शनल है, पर उड़द दाल से डोसा में हल्का सा फ्लफीनेस आता है। अब पानी को हटाएंगे। अब इस धुली हुई चीजों के साथ 10 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और इसमें पानी डाल के 5 घंटे के लिए भिगोएंगे। आप चाहो तो इसे रात भर भी भिगो के रख सकते हैं। 5 घंटे के बाद सारे सामग्री अच्छे से सूख चुका है। अब भिगोया हुआ मिर्ची को मिक्सर जार में डालेंगे, साथ ही 1 कप घिसा हुआ नारियल, 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़े चम्मच जीरा, 1/4 कप गुड़, 3 बड़े चम्मच इमली के पल्प, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, और इसका बारीक पेस्ट बनाएंगे कुछ इस तरह। मिर्ची को साथ में भिगोने से डोसा का रंग अच्छे से आता है। अब इस पीसी हुई मसाला को एक कटोरी में डालेंगे। अब हम भिगोया हुआ चावल और उड़द दाल के पानी निकाल के मिक्सर जार में डालेंगे और इसका भी बारीक पेस्ट बनाएंगे। ध्यान रहे घोल को ज्यादा पतला ना बनाएं। अब इस घोल को मसाला पेस्ट के कटोरी में डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। हमेशा मसालों को और चावल को अलग अलग पीस लीजिए, ताकि मसाला का स्मूथ पेस्ट बन जाए। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें 3 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डालेंगे और 1 कप पानी डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। अब पत्ता गोभी को बिल्कुल बारीक तरह से काटें, या बारीक कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, ताकि वो जल्दी पक जाए। कैबेज डोसा का घोल तैयार है। अब कड़छी भर घोल को गरम तवे में डालेंगे और इसे सावधानी से फैलाएंगे। इसे ज्यादा पतला ना फैलाए, हल्का सा मोटा ही रखे। अब इसके ऊपर आधा चम्मच नारियल तेल डालेंगे और इसे ढक के 1 मिनट के लिए पकाएंगे। ये पकते ही इसे सावधानी से पलट के दूसरी तरफ भी पकाएंगे। दोनों तरफ अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसे निकालेंगे। हेल्दी और स्वादिष्ट कैबेज डोसा बिल्कुल तैयार है। इस गरम गरम डोसा को घी या मक्खन के साथ एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और रेसिपी को ट्राई करके हमें कमेंट करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।